हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगरानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। तो अब हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपकी इस 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का ही। चैप्टर का नाम है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। हमने इसमें पूरा अच्छे से डिस्कस करना है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कैपिटल बजटिंग का भी हमने टॉपिक इसी चैप्टर में ही स्टडी करना है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये सारी बातें हमको इस चैप्टर में स्टडी करने को मिलने वाली हैं। देखिए, अब हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि जब भी कोई बिजनेस हमको चलाना होता है, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए, उस कैपिटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल क्यों चाहिए? फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमको होती है बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए। और वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? क्योंकि हमने बिजनेस के लिए करंट एसेट्स को परचेज करना है या डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को हमने भुगतान करना है। यस, बिजनेस में दो टाइप की कैपिटल हमको रिक्वायरमेंट होती है। पहली है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल डेली रूटीन के एक्सपेंसेस पे करने के लिए, प्लस कुछ करंट एसेट्स परचेज करने के लिए। तो यही टॉपिक हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब हम इस वीडियो में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड। यस, जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में काम आती है। किसको परचेज करने में? फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में काम आती है। अब बात आती है कि ये फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक साल से ज्यादा लंबे समय के लिए खरीदी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो बिजनेस में काफी लंबे समय के लिए प्रयोग होने वाली हैं, जिसको खरीदने का टारगेट ये नहीं होता कि हम उसको खरीदेंगे और बेच देंगे, नहीं, हम फिक्स एसेट्स को परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उनसे काफी टाइम तक उससे काम लेना होता है। मशीन लगाई हमने, मशीन हमने फैक्ट्री में इंस्टॉल कराई, मशीन से क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। काफी लंबे समय तक उससे प्रोडक्शन होने वाला है और उस प्रोडक्शन से हम क्या करेंगे? इनकम जनरेट करेंगे। तो डेफिनेटली जो भी फिक्स एसेट्स हम परचेज करते हैं उसका टारगेट होता है उसको काफी लंबे समय तक यूज करना, 8 साल 10 साल। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि एक ऐसी कैपिटल जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में काम आती है। और फिक्स्ड एसेट्स का मतलब भी हमको पता होना चाहिए, ऐसी एसेट्स जो काफी लंबे समय तक बिजनेस में यूज होने के लिए काम आने वाली हैं आपकी, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट का कैसे पता लगाएं? हमको फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट भी अच्छे से आना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट करने का क्या मतलब है? हमको सबसे पहले ये पता लगा लेना चाहिए कि बिजनेस में कितनी फिक्स एसेट्स की जरूरत है, कौन कौन सी फिक्स एसेट्स की जरूरत है। हमको प्लांट चाहिए, मशीन चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। पहले तो ये पता लगा लो कि कौन कौन सी फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। फिर ये पता लगाओ कि उन फिक्स एसेट्स के ऊपर कितना कितना खर्चा आने वाला है। उस खर्चे को अगर आप टोटल लगाओगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा, मतलब फिक्स्ड कैपिटल चाहिए कितनी, फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि कौन कौन सी फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, फिर उनके ऊपर कितना कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, उस अमाउंट को टोटल करके हम क्या पता लगा लेंगे, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। तो फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट हमको करना आना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल के मैनेजमेंट का मतलब है एस्टिमेशन लगाना फिक्स्ड कैपिटल के बारे में कि फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत कितनी है, आवश्यकता कितनी है। ये आवश्यकता पता करने के लिए सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स कितनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स कितनी चाहिए ये पता लग गया तो हमको ये भी आसानी से पता लग जाता है कि हमको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट
रियलिटी में कितनी है। तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी बिजनेस की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि जो प्रॉपर्टीज आपने खरीदनी है वो बिजनेस में सही ढंग से यूटिलाइज होनी चाहिए। क्योंकि मान लो आपने मशीन कोई गलत खरीद के रख ली, 10 लाख रुपए आपने मशीन पे लगा दिए, वो मशीन आपके बिजनेस में काम ही नहीं आ रही, तो क्या हुआ, आपका 10 लाख रुपए उस मशीन पे ब्लॉक हो गया। वो मशीन अगर आप मार्केट में सेल भी करोगे तो क्या कोई फायदा नहीं होने वाला, कम के अंदर सेल होने वाली है। तो हमको फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये मैनेजमेंट कहां से शुरू होता है, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट पता लगाने से। हमको फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट का पता लगाना होता है, देन उसके ऊपर कितना अमाउंट खर्च होने वाला है उसकी भी रिक्वायरमेंट का हमको इजीली पता लगा लेना चाहिए। तो हम इससे अच्छे से क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हमारे सामने बात आती है कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। यस, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब हमको कैसे पता लगे कि फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। तो ये बात पता लगाने के लिए काफी सारे फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करवाएंगे आपको कि फिक्स्ड कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर जो ये फिक्स करता है कि वर्किंग कैपिटल सॉरी फिक्स्ड कैपिटल आपको कितनी चाहिए, तो फिक्स्ड कैपिटल को डिसाइड करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए हमारे बिजनेस का नेचर। हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग काम क्या होता है, कच्चा माल लेकर आए, मशीनों में बनाया, पक्का रेडी किया, फिनिश गुड्स रेडी की मतलब पैकिंग किया, लेबलिंग की, उसके ऊपर प्राइस टैग लगाए, कार्टून में पैक किया, देन हमने मशीन में सब प्रोसेसिंग वगैरह करके गाड़ी में लोड किया। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपको सारी मशीनें चाहिए होंगी, रॉ मटेरियल को रेडी करने के लिए मशीन चाहिए, पैकिंग करने के लिए मशीन चाहिए, लेबलिंग करने के लिए मशीन चाहिए, प्राइस टैग लगाने के लिए भी अलग से एक मशीन चाहिए। तो अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि आपको मशीन्स की जरूरत ज्यादा होने वाली है। पर अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, मतलब आपने सिर्फ कहीं से खरीदा और आगे बेच दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको मशीन्स लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गोडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें आपको डिसाइड करा देंगी कि आपको बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कैपिटल ज्यादा, अगर आपका ट्रेडिंग वाला काम है तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अगर आपका बिजनेस काफी लंबे स्केल पर चल रहा है, बहुत बड़ा पैमाना है, बहुत बड़ा स्केल है आपके बिजनेस का, तो डेफिनेटली हमको वर्किंग कैपिटल सॉरी फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे चल रहा है तो हमको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक, चॉइस ऑफ टेक्निक। देखो, किसी भी काम में हम दो टाइप की टेक्निक को फॉलो करते हैं, या तो हम काम करवा लें लेबर से या काम करवा लें हम मशीनों से। अगर मशीनों से काम करवाना है तो फिक्स कैपिटल आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगी, मशीन लगानी पड़ेगी, बिल्डिंग भी चाहिए उसके लिए अलग से, प्लांट चाहिए उसके लिए अलग से। तो अगर आप मशीनों से काम करवाना चाहते हो तो काफी लंबे समय तक आपका पैसा उसमें ब्लॉक होने वाला है मशीनों के अंदर, तो फिक्स कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। अगर आपने लेबर से काम करवाना है तो आपको क्या हर महीने के बाद पैसा ही तो पे करना है उनको, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो मतलब लेबर से काम करवाना है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम, मशीनों से काम करवाना है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा रहती है। नेक्स्ट टॉपिक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ सकती है, पुरानी मशीनों को हटा के नया लगाना पड़ सकता है, कंप्यूटर हटाकर लैपटॉप लेकर आने पड़ेंगे, या लैपटॉप को हटाकर भी कोई नई टेक्नोलॉजी बार बार लेके आनी पड़ सकती है, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज आपको बार बार अगर करने पड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अगर आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिशन से लड़ना पड़ता है और काफी सारी टेक्नोलॉजीज को फेस करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज करनी पड़ती है,
सिर्फ किस लिए? बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो बिजनेस को अगर आपने बार बार ग्रो कराना है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट इज मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? मान लीजिए आप प्लास्टिक का भी बिजनेस कर रहे हैं और इधर से आप स्टील का भी बिजनेस कर रहे हैं। प्लास्टिक की भी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, स्टील की भी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। अब प्लास्टिक के लिए तो अलग से मशीन चाहिए होंगी और स्टील के बिजनेस के लिए अलग से मशीन चाहिए होंगी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी। अगर आप एक ही प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं तो कैपिटल कम चाहिए होगी। नेक्स्ट इज लीज। आजकल काफी सारे सोर्सेज हैं जिससे हम लीज पर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लीज का क्या मतलब होता है? मान लो एक प्रॉपर्टी है 10 CR की। 10 CR मतलब 10 करोड़ की है। अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदे तो आपको ये 10 करोड़ की पड़ेगी, पर आपने सामने वाले से ये प्रॉपर्टी लीज पे ले ली। ये प्रॉपर्टी आपने सामने वाले से मान लो 50 साल के लिए ले ली। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए, सिर्फ यूज करने के लिए। आपने 50 साल के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए उसको आपने 1 करोड़ दे दिया एडवांस में। 1 करोड़ आपने एडवांस दे दिया और हर महीने आप क्या कर रहे हो? 1 लाख और 1 लाख रुपए पे कर रहे हो। तो आप सोच कर देखो कि हमको 10 करोड़ रुपए पेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सामने वाले से वो प्रॉपर्टी 50 साल के लिए लीज पे ले लिया है। हमने उसको बस 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया कि 50 साल तक तुम मेरे से प्रॉपर्टी वापिस नहीं मांगोगे, इसके लिए मैं तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रख रहा हूं और तुमको मैं हर महीने 1 लाख रुपए रेंट देता रहूंगा इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के बाद ये हमारा रेंट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख भी हो जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो अगर आपके पास चॉइस है कि अगर आप प्रॉपर्टी लीज पर ले लेते हो तो डेफिनेटली आपको पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा, तो मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर आपको कम पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर्टी एक्चुअल वैल्यू पर खरीदनी पड़ जाए तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। तो मतलब अगर आपको लीज पे प्रॉपर्टी मिल जाती है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहने वाली है। अदरवाइज 10 करोड़ रुपए अगर आपने एक साथ पे करने पड़ जाए आपको, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, फैसिलिटीज फ्रॉम अदर्स। कभी कभी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने की फैसिलिटी हमको दूसरे बिजनेस से भी मिल जाती है। मान लो मेरी कंपनी का एक एटीएम मुझे लगाना है, मुझे एटीएम लगाना है। इस एटीएम के ऊपर 5 लाख रुपए खर्चा आने वाला है। कितना खर्चा आने वाला है? 5 लाख। पर मैंने पीएनबी बैंक से रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं आपका एटीएम यूज कर सकता हूं। पीएनबी बैंक ने यस कर दी। पीएनबी बैंक को मैंने उसका एटीएम यूज करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए पे किया और पीएनबी बैंक वालों का मैं एटीएम यूज कर पा रहा हूं। अब सोचकर देखो कि अगर ये खर्चा मुझे करना पड़ जाता, तो क्या होता? खर्चा ज्यादा होता। मैंने वही फैसिलिटी किसी दूसरे से ले ली, खर्चा कम करना पड़ रहा है। तो अगर आप फैसिलिटी किसी और से प्रोवाइड करवा लेते हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अदरवाइज आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी अगर आपने खुद खर्चा करना है। इसी तरह से मैं टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनीज हैं, ये आजकल क्या करती हैं? मान लो एयरटेल कंपनी ने टावर लगाया, आइडिया वाली कंपनी क्या करेगी? एयरटेल से ही हेल्प ले लेगी कि तेरे टावर को यूज करने के लिए मैं तेरे को रेंट पे कर दूंगी। अब आइडिया को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी कम खरीदनी पड़ी, प्रॉपर्टी इंस्टॉल करनी ही नहीं पड़ी। इसने क्या किया? एयरटेल के ही टावर को यूज कर लिया। एयरटेल को क्या बेनिफिट हुआ? इसको आइडिया से रेंट मिल जाएगा और इसका पैसा बच गया, ये सिर्फ रेंट पे कर देगी। मतलब देखो क्या हुआ, आइडिया कंपनी क्या करती है? एयरटेल कंपनी के लगे हुए टावर को ही यूज करती है, बदले में आइडिया कंपनी एयरटेल कंपनी को रेंट पे कर देती है। आइडिया कंपनी को प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं पड़ेगी, एयरटेल कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? इसको रेंट मिल जाएगा। तो अगर आप दूसरों से फैसिलिटी प्रोवाइड करवा लेते हो तो डेफिनेटली आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए, अदरवाइज अगर आपको खुद का टावर इंस्टॉल कराना पड़ गया, खुद का एटीएम इंस्टॉल करना पड़ गया, तो क्या फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा रहने वाली है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो ये डिसाइड करा देती हैं कि आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि कैपिटल
कौन से दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फिर फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट क्या है, फिक्स कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।